सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स की, चॉइस ब्रोकिंग और गुडविल कमोडिटीज। अब ये ब्रोकर ज्यादा इतने प्रोमिनेंट नहीं है, इतनी एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं ये, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपैरिजन में हम अलग अलग मायनों पे टच करेंगे, जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड, खाता खोलने और मेंटेन करने के शुल्क, ब्रोकरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में, एक्सपोजर कितना दिया जाता है, रिसर्च कैसी है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आप अनुमान लगा सकें कि आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जहां तक बात है कंपनी के बैकग्राउंड की, गुडविल कमोडिटीज 2008 में एस्टेब्लिश हुआ है, चॉइस ब्रोकिंग 2010 में, तो इतने पुराने ब्रोकर्स नहीं है। स्पेशली फुल सर्विस ब्रोकर्स की जब बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो अच्छे फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं वो 1990s में 1995 में बने हैं, तो ये रिसेंटली एस्टेब्लिश है, ज्यादा ऑफलाइन प्रेजेंस भी नहीं है। गुडविल के सिर्फ 27 शाखाएं हैं पूरे भारत में। जहां तक हम बात करें बाकी के अच्छे खासे फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स की, जिनकी 5,000-8,000 तक ब्रांचेस जाती हैं, तो उसके कंपैरिजन में काफी छोटा ये ब्रोकर महसूस होता है फिजिकल प्रेजेंस के एस्पेक्ट से। चॉइस ब्रोकिंग की 75 सब ब्रोकर्स और फ्रेंचाइज लोकेशंस हैं। दोनों ब्रोकर्स एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स के साथ मेंबर्स हैं। चॉइस ब्रोकिंग की एमसीएक्स एसएक्स के साथ भी है, वाइल गुडविल कमोडिटीज एनसीडीईएक्स एमएसईआई का भी मेंबर है। अलग अलग एक्सचेंजेस के साथ मेंबरशिप होने से एक ओवरऑल वैरायटी बढ़ती है, अलग अलग सेगमेंट्स में कस्टमर्स के लिए ट्रेडिंग करने के ओवरऑल दायरे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इनके साथ खाता खुलवाने के शुल्क की, तो गुडविल कमोडिटीज आपसे कोई शुल्क नहीं लेता ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट खोलने का या मेंटेन करने का। ये एक अच्छा ब्रोकर साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं। रेगुलर लेवल पे एएमसी आपको इनके इसमें पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तब समझ में जरूर आता है कि चलो एएमसी प्रोवाइड की जाए, लेकिन अगर आप एक बार इन्वेस्ट आप कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में और 5-10 साल तक उसको बेचना नहीं चाहेंगे, उस केस में गुडविल कमोडिटी जैसे ब्रोकर सही साबित होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कॉस्ट के हिसाब से, चॉइस ब्रोकिंग 700 रुपए लेता है, उसमें से 200 रुपया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का है, 500 रुपया पावर ऑफ अटर्नी के चार्जेस लिए जाते हैं। ये वन टाइम कॉस्ट है। इनके केस में भी एएमसी आपसे चार्ज नहीं की जाती। चॉइस ब्रोकिंग भी आपको रेगुलर लेवल पे सालाना मुफ्त एएमसी प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम बात करें ब्रोकरेज की, तो अच्छा खासा डिफरेंस जरूर दिखता है। गुडविल कमोडिटीज आपको डिलीवरी के लिए 0.5% और इंट्राडे के लिए 0.1% ब्रोकरेज चार्ज करता है, जिसका मतलब है कि अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो 1,00,000 रुपए की ट्रेड के ऊपर आपको 500 रुपए ब्रोकरेज देना होगा। काफी हेफ्टी अमाउंट है ये, स्पेशली जब हम बात करें डिस्काउंट ब्रोकर्स की, जो कोई फ्लैट रेट आपसे चार्ज करते हैं पर एग्जीक्यूटिव ट्रेड के लेवल पे। तो अगर हम वही एग्जांपल की बात करें, 1,00,000 पे 500 रुपए वर्सेस कई ब्रोकर्स हैं डिस्काउंट लेवल पे जो आपसे 10-20 रुपए भी चार्ज करते हैं, तो उनके केस में ट्रेड वैल्यू का मैटर नहीं रहता, चाहे 10 लाख की ट्रेड हो या 1 लाख की या 1 करोड़ की। बाकी के सेगमेंट्स में भी ठीक ठाक लेवल्स पे आपसे परसेंटेज ली जाती है। चॉइस ब्रोकिंग 0.2% मतलब 200 रुपया प्रति 1 लाख की ट्रेड के ऊपर आपसे चार्ज करता है। इंट्राडे में 0.02 बढ़ जाता है। लॉट लेवल पे अगर आप ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हैं तो 50 रुपए पर लॉट इक्विटी ऑप्शंस में और 10 रुपया करेंसी के डेरिवेटिव्स में आपको ब्रोकरेज देनी होगी। इस मामले में थोड़ा सा सस्ता इसको आप जान सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको ट्रेड ज्यादातर प्लेस करनी है और उसके बेस पे आप एक ब्रोकर की चॉइस कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा ये बता दें कि एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे कुछ छोटे ड्यूरेशन के लिए। ज्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं होते हैं ये। और अगर हम बात करें गुडविल कमोडिटीज की, तो इंट्राडे में आपको 5 गुना, डिलीवरी में आपको 2 गुना ट्रेड पे एक्सपोजर देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग 10 गुना तक जाता है इंट्राडे में। बाकी के सेगमेंट्स में मोर और लेस सिमिलर हैं।
तो आपको देखना है कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेड्स करनी है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर बेटर चाहिए, तो इन दोनों में से चॉइस करो। थोड़ा सा एक बेहतर स्टॉकर डेफिनेटली मालूम होता है, लेकिन अगर एक्सपोजर आपका टॉप प्रायोरिटी है तो उस केस में बहुत से ब्रोकर्स हैं जो 30 गुना 40 गुना तक जाते हैं इंट्राडे लेवल पे एक्सपोजर देने में। तो आपको अगेन ये जानना जरूरी है कि कौन सा एस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें आगे चल के कस्टमर सर्विस की, अब दोनों ब्रोकर्स फुल सर्विस लेवल पे आपको ठीक ठाक कम्युनिकेशन चैनल्स देते हैं। गुडविल कमोडिटीज आपको ईमेल सपोर्ट, लाइव चैट, फोन और ऑफलाइन ब्रांचेस देता है। आपको ईमेल सपोर्ट, फोन और ऑफलाइन ब्रांचेस करीब 75 नंबर है उसका, ये सब प्रोवाइड करता है। ओवरऑल कस्टमर सर्विस की क्वालिटी अराउंड एवरेज है, ज्यादा बड़ी उम्मीदें ना रखें इन दोनों ब्रोकर्स से। हालांकि अगर हम बात करें कस्टमर सपोर्ट की, तो फुल सर्विस में जनरली अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि रीजन ही है ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करने का कि वो आपको हर तरह की सहूलियत प्रोवाइड करते हैं, उसमें से कस्टमर सर्विस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है। लेकिन इन दोनों के केस में आपको एक एवरेज लेवल की कस्टमर सपोर्ट ही मिलेगी। अगर हम बात करें रिसर्च की, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की, तो रिसर्च में ये दोनों ब्रोकर्स आपको टिप्स, रिकमेंडेशंस, एनालिसिस आईपीओ लेवल पे अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं डेली, वीकली, मंथली और ईयरली लेवल पे। लेकिन जब बात करें गुडविल कमोडिटीज की, तो जैसे कि इसका नाम है, कमोडिटी लेवल की जो इनकी रिसर्च है वो डेफिनेटली बेटर है बाकी के ट्रेडिंग सेगमेंट्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप स्पेसिफिकली कमोडिटी लेवल पे कुछ रिसर्च और टिप्स चाहते हैं और उसके साथ एक अच्छा ब्रोकर भी चाहते हैं जो आपको रीजनेबल लेवल पे ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो गुडविल कमोडिटीज एक ठीक ठाक ब्रोकर हो सकता है आपके लिए। वहीं अगर हम चॉइस ब्रोकिंग की बात करें, तो ओवरऑल इनकी रिसर्च की क्वालिटी अराउंड एवरेज है। आपको खुद से भी थोड़ा बहुत टिप्स और एनालिसिस पे काम करना होगा या आप किसी भी एडवाइजरी सर्विस की मदद ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग सेगमेंट्स की, तो इन ब्रोकर्स के साथ आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी में ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप गुडविल कमोडिटीज और चॉइस ब्रोकिंग केस में कमोडिटी में ट्रेड्स भी प्लेस कर सकते हैं। इनके अलावा और भी ट्रेडिंग के सेगमेंट्स हैं जैसे ETFs, बॉन्ड्स, उनमें भी आपको ट्रेडिंग का प्रावधान दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कुछ अन्य फीचर्स की, तो पहले ये जानना जरूरी है कि आपको ये फीचर्स जरूरी है या नहीं। इन दोनों के केस में कुछ खास फर्क नहीं है, मोबाइल ट्रेडिंग हो या चार्टिंग, या उसके अलावा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, मार्केट टिप्स, मार्जिन फंडिंग, रिलेशनशिप मैनेजर, ये सब तरह की सुविधाएं ये दोनों ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। 3-in-1 अकाउंट सिर्फ बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स ही देते हैं, तो इनके केस में ये सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। अगर हम बात करें अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण मायना है ये। आपको ये जानना जरूरी है कि जो इनके टर्मिनल सॉल्यूशंस हैं, मोबाइल एप्स हैं या वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशंस हैं, किस तरह की फीचर्स देते हैं, क्या नुकसान है उनके, किस लेवल का आप उनके साथ ट्रेडिंग प्लेस कर सकते हैं, ये सब एक एक करके जांचेंगे। पहले बात करते हैं इनके मोबाइल ऐप की, उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो पहले बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप चॉइस इंडेक्स, जिसका नाम है। इस एप्लीकेशन की रेटिंग है करीब 4.2, करीब 109 यूजर्स ने इसको रेट किया है, उसमें से 18.3% ने इसको नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब 81% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के साथ जाता है। अगर हम कुछ स्टैट्स पे नजर डालें, तो अभी तक सिर्फ 5 से 10 हजार यूजर्स ने इसको इंस्टॉल किया है और लास्ट अपडेट इसका 15 मार्च 2017 को आया था। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 नवंबर को, तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा समय बीत चुका है, करीब 7-8 महीने हो चुके हैं इस ऐप को एक भी अपडेट देखे हुए। तो स्टैटिस्टिकली देखें तो इस एप्लीकेशन को आप अराउंड एवरेज मान सकते हैं। कुछ कंसर्न्स भी देखे गए हैं, कुछ यूजर्स ने इस एप्लीकेशन में लॉगिन लेवल पे कंसर्न्स बताए हैं। परफॉर्मेंस या स्पीड लेवल पे भी, चाहे आप फर्स्ट या सेकंड या सिटी में ही क्यों ना हो, आपको कंसर्न्स जरूर दिखेंगे। ओवरऑल नंबर ऑफ फीचर्स भी काफी लिमिटेड पाए गए हैं, तो समवेयर अराउंड एवरेज इस एप्लीकेशन को आंका जा सकता है। अगर आप बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके आगे के कदम के लेवल के ट्रेडर हैं, तो सर्टेनली ये एप्लीकेशन हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। वहीं अगर हम बात करें गुडविल कमोडिटीज की मोबाइल ऐप की, इनकी खुद की कोई इन हाउस मोबाइल ऐप नहीं है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन iWIN प्रोवाइड करते हैं। इस एप्लीकेशन को रेट किया गया है 3.7 पे, करीब 215 यूजर्स द्वारा, उसमें से ऑलमोस्ट 24.5% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब 75% बनता है, इंडस्ट्री एवरेज से बिलो एवरेज माना जा सकता है। इनकी स्टैट्स और भी खराब है, 2014 में ये लास्ट एप्लीकेशन अपडेट हुई थी, 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके
चुके हैं इस एप्लीकेशन को एक भी अपडेट देखे हुए, नंबर ऑफ इंस्टॉल भी 10 से 50 हजार है, तो सर्टेनली एक बिलो द एवरेज मोबाइल एप्लीकेशन है। नंबर ऑफ फीचर्स आप मान सकते हैं कि काफी लिमिटेड होंगे, काफी प्रिमिटिव होंगे, क्योंकि 3 साल में अगर एक भी अपडेट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली नए फीचर्स भी ऐड नहीं किए गए हैं। तो सर्टेनली एप्लीकेशन हम आपको किसी भी लेवल पर रेकमेंड नहीं करेंगे। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करना है तो आंख बंद करके आप चॉइस इंडेक्स मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बेहतर मोबाइल ऐप्स मार्केट में मौजूद हैं, उसके वीडियो अलग से बनाए गए हैं, उसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो फिर से चॉइस इंडेक्स एक बेहतर मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर हम बात करें बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में आपको वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशंस मिलेंगी, टर्मिनल सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे जो आप अपने कंप्यूटर के द्वारा यूज कर सकते हैं, उनको देखते हैं। उसको देखने के लिए जाना पड़ेगा हमें digitalblogger.com की तरफ। तो पहले बात करते हैं गुडविल कमोडिटीज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। इनकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट थर्ड पार्टी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस ही हैं। इनके पास ज्यादातर आप देखेंगे ऑडिन डाइट मौजूद है, जो कि एक पुराना सॉफ्टवेयर है लेकिन रेगुलर लेवल पे अपडेट किया जाता है, काफी प्रोमिनेंट लेवल पे इसको आप देख सकते हैं, बाकी स्टॉक ब्रोकर्स के साथ भी लाइसेंस किया जाता है ये। ऑडिन डाइट अच्छी खासी फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, आपको रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस के लिए अलग अलग प्रावधान देता है, जिसमें चार्टिंग टूल्स होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, हीट मैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस लेवल पे आपको एक एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन मिलेगी। यूजर एक्सपीरियंस हालांकि इसका बेहतर किया जा सकता है, वो एक खामी जरूर दिखती है। उसके अलावा नेस्ट भी दिया जाता है, ये भी एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेवल पे थर्ड पार्टी ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आप अपने हिसाब से किसी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईविन के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा आपको गुडविल वेब ट्रेडिंग ऐप भी दी जाती है, ये एक इन हाउस एप्लीकेशन है, ये एक पहला इनिशिएटिव भी मान सकते हैं गुडविल कमोडिटीज के द्वारा, जहां पे इन्होंने खुद ट्राई किया है एक अपना इन हाउस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन और डेवलप करने का। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसका मतलब आपको इसको डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे डायरेक्टली किसी भी ब्राउजर के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये रिस्पॉन्सिव नहीं बना है, जिसका मतलब है कि मोबाइल या टेबलेट एप्लीकेशंस इसमें आप यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक लाइटवेट एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ फीचर्स ऑब्वियसली ऑडिन डाइट या नेस्ट जितने एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस अच्छा आंका जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी रेंज दी जाती है गुडविल कमोडिटीज के द्वारा। ये पूरा विश्लेषण आप पढ़ सकते हैं digitalblogger.com पे। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो अब उसी समय अगर हम बात करें चॉइस ब्रोकिंग की, तो चॉइस इंडेक्स मोबाइल ऐप के बारे में हमने जैसे बात की, बेहतर एप्लीकेशन है, हालांकि इसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स हैं, लेकिन सर्टेनली एक रिकमेंडेबल सॉल्यूशन है। वहीं चॉइस इन्वेस्टिका आपको एक एप्लीकेशन दी जाती है, जो कि ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, किसी भी ब्राउजर, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो या सफारी, इसके द्वारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है, जिसका मतलब आप सिर्फ कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप ही नहीं, इसको आप मोबाइल या टेबलेट पे भी यूज कर सकते हैं। स्क्रीन साइज अपने आप इसको अडैप्ट कर लेता है और आप रेगुलर लेवल पे किसी भी डिवाइस के थ्रू अच्छे खास इंटरनेट स्पीड के साथ यूज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है, यूज ऑफ कलर्स बढ़िया है, ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक माना जा सकता है। वहीं ये भी आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऑडिन डाइट प्रोवाइड करते हैं, ये एज इट इज जैसे कि हमने गुडविल कमोडिटीज के केस में देखा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है, जब भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इन प्ले आते हैं तो उसके साथ एक एडिशनल खर्चा भी हो सकता है। ज्यादा ब्रोकर्स इस केस में अलग अलग लेवल पे खर्चा लगाते हैं, जो कि इनिशियली आपको बताया नहीं जाता, लेकिन ये सबके साथ नहीं है, कुछ ब्रोकर्स फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेहतर रहेगा कि जब भी आप किसी एग्जीक्यूटिव से बात करें, अगर वो आपको थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी पूछें कि क्या उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी सॉल्यूशन या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए क्या आपको अलग से शुल्क देना होगा, अगर देना होगा तो किस रेंज में होगा, महीने लेवल पे काटे जाएंगे पैसे या सालाना लेवल पे। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि जनरली एक्सप्लिसिटली ब्रोकर के द्वारा नहीं बताए जाते, और ये एज अ क्लाइंट एज अ कस्टमर आपको अलर्ट रहना होगा और सब तरह के खर्चे लिखित में लेने होंगे। ये तो सिर्फ हमने आपको बताया है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, वहीं ब्रोकरेज के साथ साथ आपको एसटीटी चार्जेस भी देने होते हैं, ट्रांजेक्शन टर्नओवर चार्जेस भी देने होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी होती है, जीएसटी भी आ गया है अब तो अलग अलग लेवल के खर्चे हैं, सब
खर्चे आप जरूरी ईमेल पे ऑफिशियल ईमेल आईडी के थ्रू उनके द्वारा लिखवाएं और उनसे सेंड आउट करवाएं ईमेल, ताकि कल को कुछ कंसर्न दिक्कत होती है तो आपके पास एक लिखित में प्रूफ रहता है कि जो खर्चे आपके साथ प्रॉमिस किए गए थे वो फाइनली आपको चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये है अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सर्टेनली गुडविल कमोडिटीज और चॉइस ब्रोकिंग अच्छे खासे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं डेस्कटॉप लैपटॉप के लेवल पे। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, उसके बेस पे आप किसी पर्टिकुलर ब्रोकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था कंपैरिजन इन दोनों फुल सर्विस ब्रोकर्स के बीच में। हमने अलग अलग मायनों पे चर्चा की है, जिसमें कि खर्चा, कंपनी के बैकग्राउंड, एक्सपोजर, रिसर्च, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में हमने डिटेल में बात की। अब आपको देखना है कि आपकी जरूरतें क्या हैं, पहले दो तीन टॉप क्राइटेरिया क्या हैं आपके लिए, और उसके बेस पे आप अपने लिए ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ मदद चाहिए, कोई सजेशन या रिकमेंडेड चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/freecallback ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी डिटेल्स और प्रेफरेंसेस बताइए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आपके लिए एक कॉल बैक अरेंज करेंगे, सिर्फ एक कॉल बैक। अगर आपको पसंद आता है तो आप खाता खोल सकते हैं, नहीं तो आप अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपनी फीडबैक हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, स्लाइडशेयर और यूट्यूब पे सेम हैंडल डिजिटल ब्लॉगर के फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम रेगुलरली नए कंटेंट जिसमें वीडियोस, आर्टिकल, पोस्ट, पॉडकास्ट अलग अलग लेवल पे शेयर किए जाते हैं, उनके साथ आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।